हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनीता की कुकिंग रेसिपी में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उत्तराखंड में बनने वाली मसपाणी। मसपाणी साबुत उड़द की दाल से बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी उड़द, दो हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का टुकड़ा डाल दिया है आधा इंच, और दो टमाटर छोटे छोटे काट के डाल दिए हैं। अब मैं इसको मिक्सर में पीस, उड़द की दाल पीस के तैयार कर ली है। अब मैं इसमें अन्य मसाले डालूंगी, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार डालिए जैसे भी आप खाते हैं, हल्दी पाउडर, और अब इसमें पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा पतला कर दूंगी। इसी में रहने देती हूँ मैं, क्योंकि इसी में पीस रखा है, तो ज्यादा बर्तन क्या जूठे करने हैं। इसमें सब कुछ मिला के तैयार कर देती हूँ। अब आगे कढ़ाई गरम करूँगी। मसपाणी बनाने के लिए मैंने गैस ऑन कर दी है और गैस के ऊपर लोहे की कढ़ाई रख दी है। इसमें सरसों का तेल डाल दिया है और अब इसे धुआं उठने तक गर्म होने देते हैं। मसपाणी और फाणो, ये दोनों चीजें लोहे की कढ़ाई में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इससे हमें आयरन भी मिलता है। इसलिए आप जब भी मसपाणी और फाणो बनाएं, हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। और अब इसमें धुआं उठने लग गया है, तो मैं इसमें जख्या डालती हूँ। जख्या हमारे उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ हम हर सब्जी में इसे डालते हैं। मैंने जख्या डाल दिया है, तेल गर्म था। अब मैं इसमें गारी का कितनी प्याज डालूंगी, प्याज डाल दी है मैंने। उत्तराखंड की डिश बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि हम पहले तो पहाड़ों में रहते थे, अब हम शहर में आ गए हैं, तो शहर में हर राज्य के हमारे पड़ोसी कहते हैं, तो जब हम बोलते हैं कि हमने मसपाणी बना रखी है, हमने फाणो बना रखा है, तो हमें पूछते हैं कि ये क्या होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने उत्तराखंड की दालों को और राज्यों तक भी पहुँचाएँ, और जो उनके मन में शंका रहती है कि ये क्या होता होगा, तो वो भी दूर हो जाएगी। अब जो मैंने ये घोल तैयार किया है, ये डाल दूंगा, मैंने डाल दिया है। और सिंपल सही है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसमें। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसको भूनेंगे, और उसके बाद जो ये जार में थोड़ा बहुत रह रखा है दाल, उसको भी पानी डाल के इसी में मिला देंगे, क्योंकि उड़द की दाल है ये पक्के और भी गाढ़ी होती है, तो इसमें पानी हमें खूब डालना है, क्योंकि ये गाढ़ा ना हो ज़्यादा, चावल के साथ खाने लायक रहे। इसमें पानी और डाल देती हूँ, पानी डाल दिया है जितना चाहिए था मुझे। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, आप स्वाद अनुसार डालिए जितना भी आप खाते हैं। नमक डाल दिया है, अब इसे 20 से 30 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे, क्योंकि इसमें उबाल आता है और इसका गिरने का डर रहता है, तो इसलिए हम इसे बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। अब हमारी मसपाणी बन के एकदम तैयार है। इसमें मैंने बारीक बारीक हरा धनिया काट के डाल दिया है। अब आप इसे चावल के साथ खाइए और बनाइए, और अपने अनुभव सुनीता कुकिंग रेसिपी में शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।